Brought Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Brought to you you by by 20 20 Series Series Smartphones. Smartphones. चौदह में समय मिला उनको पूरा उन्नीस में मिला विधानसभा चुनाव मिला क्या रहा बताओ मुझे तीन तीन बार तो मिल गया समय चौथा तो और मिल जाएगा देख लेना आप समय समय ही है मेरा तो समय जो पैतीस तीस, तीस साल मतलब इनके बीच ही गुजर रहे वो तो टिकट लेके आई है अब की बार पार्टी बदल के नीति रीति बदल के दूसरे भाषण चालू कर दिए अब की बार उनके स्पीच देखो और पिछले स्पीच निकालो कितना अंतर आएगा तो समय से कुछ नहीं होता नागौर की जनता ऐसा एम पी चाहती है जो उनका सम्मान रखे लड़े संघर्ष करे सड़कों पर लड़े और और, नागौर की बात उठाए थी ना पाँच साल एम पी पाँच करोड़ रुपये तो बजट के खर्च करना ही भूल गई थी कोई नागौर का मजबूत व्यक्ति आगे नहीं बढ़े क्योंकि उनके दिक्कत हो जाती बाद में तो वो चाहते हैं कि नागौर कोई आदमी दिल्ली आए ही नहीं दिल्ली में तो अमीर ही और जयपुर में भी हमारे लोग रहें और ये नागौर के लोग गांव और गलियों में घूमते रहे ताकि हम उसी हिसाब से राजनीति करते अगर यही लोग विकास करते तो कितना विकास हो जाता नागौर के अंदर उनका राजनीतिक कैरियर कभी था ही नहीं दो में मैं मैं, मैं रूपाराम जी महेंद्र जी हम लोग ही ज्योति मिर्जा का नाम सजेस्ट किया था कि भाई इसको लड़ा दो ये ठीक रहेगी लड़ा दो कम से कम नाथोराम जी की पोती है हमारी भी इच्छा थी टिकट तो और किसी को मिल रही थी इन्हीं दूसरे नेताओं को जिले के हमारी इच्छा थी हम लाए और मैं तो बीजेपी में था ये लोग कांग्रेस में थे मैंने बीजेपी में रहते हुए भी इसकी मदद इसका कोई करियर नहीं था पॉलिटिकल करियर इसका पॉलिटिकल करियर था इसके दादाजी का पॉलिटिकल करियर था इसका पॉलिटिकल करियर नहीं था आप, आप उठा के देख लेना कि इसका क्या करियर था करियर हमने बनाया और उसके बाद इसने जो लोग इसके साथ थे उनका पीछा किया उन्हें परेशान करना शुरू किया तो आज ये हालात हो गए इसके हमारे साथ है नागौर से आई एन के गठबंधन से उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद में गठबंधन करवाया और गठबंधन करवाने के बाद आज पहली बार नागौर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ आने के बाद जिस तरह का जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है वो देखते ही बनता है हनुमान जी क्या कहना चाहेंगे गठबंधन में भी बहुत समय लगा और अब गठबंधन हो गया तो क्या कहना चाहेंगे आप गठबंधन में कोई किसी तरह की हमारे दिक्कत नहीं थी दिल्ली में था पार्टी के लोगों से बात भी कर रहा था विचार विमर्श कर रहा था और हम चाह रहे थे किस तरह पूरे राजस्थान के अंदर विषाद बिछाई जाए इंडिया गठबंधन करके और किस तरह एन को और बीजेपी को शिकस्त है इसलिए समय लग गया था बाकी नागौर की सीट तो पहले से क्लियर थी कि गठबंधन के अंदर जाएगी और हमने भी किसी तरह की कोई शर्तें इसके अंदर नहीं रखी है और अब जब गठबंधन हो ही गया तो आप देख रहे हैं कि जो जोश नागौर के अंदर है जिस तरह का जुनून नौजवानों के अंदर है उसके तो बार नागौर ऐतिहासिक रिजल्ट देगा और बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की नागौर के अंदर होगी जिस तरह यहाँ के चुने हुए हमारे विधायकों ने और जो सेकेंड नंबर रहे जो पहले के विधायक हमारे नावा डीडवाना जाइल इन्होंने भी और चारों विधायकों ने और विशेषकर जिला अध्यक्ष जी ने गठबंधन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परसों जब मैं जयपुर आया उससे पहले इन्होंने मेरी बात नहीं उससे पहले ही खुद ही पोस्ट कर दी थी कि गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन का हमें एक होना और तुरंत हमारी बातचीत भी हो गई वो जो मान मनोहार होती है ना वो किसी के नहीं करनी पड़ी अपना आप ही सारे साथ हो गए इसलिए लग रहा है कि अच्छी जीत नागौर के अंदर हो जाएगी इस बार नागौर में कांग्रेस के नेताओं को एक जाजम पर लाकर आपने पहली तो फतेह हासिल कर ली है अब ये चुनाव बहुत बड़ा है आपको समय कम मिला ज्योति मिर्जा को समय पूरा एक महीने का ज़्यादा मिला है तो क्या फ़र्क रहेगा कुछ नहीं रहेगा भाई जो ज्योति जो, मिर्जा चौदह चौदह में समय मिला उनको पूरा उन्नीस में मिला और विधानसभा चुनाव मिला क्या रहा बताओ मुझे तीन तीन बार तो मिल गया समय चौथा वो और मिल जाएगा देख लेना आप समय समय ही है मेरा तो समय जो पैंतीस तीस साल है मतलब इनके बीच ही गुजार रहे हैं वो तो टिकट लेके आई है अब की बार पार्टी बदल के नीति रीति बदल के दूसरे भाषण चालू कर दिए अब की बार उनके स्पीच देखो और पिछले स्पीच निकालो कितना अंतर आएगा तो समय से कुछ नहीं था नागौर की जनता ऐसा एम पी चाहती है जो उनका सम्मान रखे लड़े संघर्ष करे सड़कों पर लड़े और और, नागौर की बात उठाए थी ना पाँच साल एम पी करोड़ रुपये तो बजट के खर्च करना ही भूल गई थी वो मैंने खर्च किए थे उनको शी आर चौधरी को भी ध्यान नहीं रहा पाँच करोड़ रुपये ज्योति मिर्दा के अकाउंट के क्योंकि जो भी एम पी बनता है उसका अकाउंट अलग खुलता है एम पी का अकाउंट अलग खोला एम पी के नाम से सुनो वो एम पी के नाम से खुलेगा तो मैंने सारे अकाउंट जब चेक किए तो एक डेढ़ करोड़ तो इन वाले थे और साढ़े चार पाँच करोड़ इसके थे पैसे तो मेरे काम आ गए इस बार तो मैंने खर्च नहीं अभी आप उद्बोधन में कह रहे थे कि ज्योति मिर्दा कांग्रेस में भी अंदर तक पकड़ है उन्होंने ये गठबंधन में देरी करवाई हो सकता है टिकट में भी कहीं ना कहीं है तो क्या कहना चाहेंगे आप वो तो आपको सब पता है यार कांग्रेस में कैसे नहीं दर्शक नहीं। दर्शक जाना था। सारी रिश्तेदारी कांग्रेस में ही कमाल कर रहे हो कांग्रेस में ही रिश्तेदारियां सारी तो अपना भी गठबंधन कही में कहीं ना कहीं कही। उनका भी हाथ है पता नहीं किसका हाथ है गठबंधन आप लेट की बात में ये कह रहा हूँ उनका कनेक्शन है कि वो जिधर जाए उधर टिकट मिल जाता है अभी जैसे पिछली बार जब गठबंधन हो रहा था रोक के खुद आ गए बीजेपी की ओर जाके वापस कांग्रेस एक बार बीजेपी ज्वाइन करने चले गए तो वापस आ गए इस बार कांग्रेस ज्वाइन कर ली आधा परिवार कांग्रेस में आधा बीजेपी में तीसरा कहीं है तो ये तो अपने हिसाब से चलते हैं बिज़नेस करना इनका मुख्य जो मकसद है बिज़नेस करना और कोई नागौर का मजबूत व्यक्ति आगे नहीं बढ़े क्योंकि उनके दिक्कत हो जाती बाद में तो वो चाहते हैं कि नागौर कोई आदमी दिल्ली आए ही नहीं दिल्ली में तो हम ही रहें और जयपुर में भी हमारे लोग रहें और ये नागौर के लोग गाँव और गलियों में घूमते रहे ताकि हम उसी हिसाब से राजनीति करते अगर यही लोग विकास करते तो कितना विकास हो जाता नागौर के अंदर आदि मृदा तो अभी भी कांग्रेस के साथ है अब वो तो अभी तक तो साथ कल पता लग जाएगा कौन कौन साथ नहीं हरंदर जी तो है ही सुनो हरंदर जी हरंदर जी है और हरंदर जी के प्रति सहानुभूति थी नागौर के अंदर लोगों की लोगों ने नागौर में यह तय किया कि ज्योति मृदा और हरंदर मृदा में हमें किस को मदद करनी है तो लोगों ने कहा ये तीन बार हरे हुए और ज्योति से ये ठीक है इसे हरंदर मृदा को वोट डाले और जी हमारे तो कल साथ थे हमारे साथ चुनाव प्रचार में रहेंगे वो बात मृदाओं की नहीं बात इस इस चुनाव के अंदर जो हम ये बात कहते हैं ना भाई साठ साल विकास नहीं हुआ विकास नहीं किया हम ये कहते हैं कि चाहते तो विकास हो जाता उस समय हम लोग नहीं थे जो भी थे वो अगर प्रयास करते तो नहर भी आती सारी चीज़ें होती शिक्षा में भी आगे बढ़ते वो कहीं ना कहीं कमी खामियाँ रही है और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ अभी हमारे हरंदर जी भी साथ हैं और जाकिर साहब नाज ये भी कहा जो खेस से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से उनको भी ये कह रहे हैं कर ले आएंगे और अगर नहीं आते तो फिर कांग्रेस पार्टी उन पर जो भी इनका कार्रवाई का सचिव तो, तो करना ही पड़ेगा पच्चीस का तो खत्म हो गया राजस्थान में अब अब हम इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतते हैं अब लड़ाई इस बात की है ज्योति मिर्जा लगातार तीन चुनाव हार गई है चौथा चुनाव है उनके राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट है अगर वो जीत जाती है तो भी है और वो हार जाती है तो भी है। उनका राजनीतिक कैरियर कभी था ही नहीं 2009 में मैं मैं रूपाराम जी महेंद्र जी हम लोग ही ज्योति मिर्जा का नाम सजेस्ट किया था कि भाई इसको लड़ा दो ये ठीक रहेगी लड़ा दो कम से कम नाथूराम जी की पोती है हमारी भी इच्छा थी टिकट और किसी को मिल रही थी इन्हीं दूसरे नेताओं को जिले के हमारी इच्छा थी हम लाए और मैं तो बीजेपी में था ये लोग कांग्रेस में थे मैंने बीजेपी में रहते हुए भी इसकी मदद इसका कोई करियर नहीं था पोलिटिकल करियर इसका पोलिटिकल करियर था इसके दादाजी का पोलिटिकल करियर था इसका पोलिटिकल करियर नहीं था आप, आप उठा के देख लेना कि इसका क्या करियर था करियर हमने बनाया और उसके बाद इसने जो लोग इसके साथ थे उनका पीछा किया उन्हें परेशान करना शुरू किया तो आज ये हालात हो गए इसके आपने पिछली बार एनडीए से गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया और इस बार आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है अभी तो चुनाव में काफ़ी दिन पड़े हैं लेकिन गठबंधन में आपकी सोच के जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है देखिए ये जो इंडिया गठबंधन है ये तो हमेशा किसान के पक्ष की पार्टी रही है सुनो सारी पार्टियाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसान विरोधी सोच रही भाजपा का जब उदय हुआ था उन्नीस के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी बनाई उन लोगों ने थी जो किसान दलित शोषित इनके खिलाफ का जो ग्रुप था उन लोगों ने बीजेपी बीजे का गठन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे हमारे लोग वोट भी दे दें हमारे विधायक भी बन जाए मंत्री भी बन जाए तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है आज हमारे मंत्री बैठे हैं दो तीन उनकी हैसियत थोड़ी हो तहसीलदार बदलवा दे या कलेक्टर बदलवा दे है। नहीं हैसियत नहीं कांग्रेस पार्टी में चाहे नंबर एक की लड़ाई राजस्थान में नहीं जीत पाए होंगे हम लोग लेकिन फिर भी सेकेंड थर्ड में भी रहते थे तो कांग्रेस में इनका ठीक मामला था कांग्रेस में इस बार माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक ज़्यादा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आप क्योंकि अब गठबंधन करके आ गए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सिक्कर चूरू झुंझुनू नागो जोधपुर और बाड़मेर तो सारी सीटों पर कैसे प्रभावित करेंगे पूरा जान लगा दूंगा पूरी जाऊंगा मैं चुनाव छोड़ के क्योंकि ये फिर चुनाव ये संभालेंगे आप लोग क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ना थोड़ा टाइम कहीं ऐसा नहीं मैं बाहर जाऊँ मुझे बाहर भेज दो 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 चार पांच जगह पाँच सात जगह पहले राउंड में और कुछ सेकंड राउंड में जाऊंगा प्रचार करना जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी अगर लगेगा कांग्रेस पार्टी अगर सोचती है कि भाई जान मान जी की इनको आवश्यकता बाकी तो हमारी आर की टीम ने जैसे ही गठबंधन हुआ सारी आर की टीम कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नामांकन रैलियों के अंदर और प्रचार के अंदर सारी पार्टी लग गई मैं भी जाऊँगा खुद तो ये थे नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जिनका ये कहना है कि भाई नागौर के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान नागौर